दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई हो बच्चे ही होंगे। राधे राधे। मैं हूँ सुमन, सुमन के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुमन स्पेशल, सुमन के रसोई से कीटो बर्गर। चलिए बनाते हैं और आपको पसंद आएगा वीडियो तो आप लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, बच्चों को भी पसंद आता है। आप जरूर बनाइएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, तो इसलिए चलिए बनाइए और बना के खा के आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सुमन की रसोई से, सुमन की रेसिपी कीटो बर्गर। चलिए बनाते हैं कीटो बर्गर। उसकी मैंने सारी तैयारी कर रखी है। देखिए, पनीर की स्लाइस इस तरीके से काट लिए हमने और टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे स्लाइस काट लिए हैं और इसी तरीके से मैंने प्याज के भी स्लाइस काट लिए हैं और खीरा के भी काट लिए हैं। ये है नींबू और शिमला मिर्च के स्लाइस इस तरीके से काट लिए हैं और ये है पत्ता गोभी। देखिए, इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। चलिए बनाते हैं, आप भी फुल वीडियो देखिएगा। आप चाहो तो उतने से भी बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा चटपटा देने के लिए, चटपटा स्वाद आए, इसलिए मैंने आलू को थोड़ा सा, देखिए 3 से 4 आलू मर्च कर लिया है और इसका मैं बनाऊंगी टिक्की। अब इसकी इस टिक्की में कुरकुरापन लाने के लिए या तो आप चावल का आटा डालिए, नहीं तो मेरे पास मैं रखती हूँ रोस्टेड सूजी, ये डालूंगी 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, छोटा चम्मच है तो 3 चम्मच डालूंगी और बड़े चम्मच से 2 चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ा तीखा चटपटा हो, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हो, चाट मसाला थोड़ा सा और नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने अब मिक्स कर लूंगे, थोड़ी सी डालूंगी अमचूर पाउडर। आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ी सी अमचूर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से ही मिक्स करिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके टिक्की बना लेती हूँ। इस तरीके से टिक्की बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 5 टिक्की हमने बना ली है। अब चलिए गैस जला के बनाते हूँ। बिल्कुल हेल्दी आपका कीटो बर्गर है, आप भी बनाइए, बिल्कुल कुछ नहीं लगता इसमें, टाइम भी नहीं लगता, आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको सुमन के कीटो बर्गर, सुमन के स्टाइल में। चलिए, थोड़ी सी तेल डाल के मैं सिर्फ पनीर और शिमला मिर्च सोटे करूंगी, ना इसमें खीरा सोटे करूंगी, ना ही प्याज, ना ही टमाटर, ये तो ऐसे ही खाए जाएंगे। हल्का हल्का मैं, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सोटे करूंगी। देखिए, आप देख सकते हैं ज्यादा सोटे हमने नहीं किया है, बस इतने में ही मैं इसको उतार लेती हूँ। और गैस का फ्लेम मीडियम है, अब इसी पे मैं पनीर रख देती हूँ। 2 बूंद तेल डाल के, ज्यादा तेल का प्रयोग नहीं है इसमें। देखिए, और इस तरीके से मैं पनीर को पलट लूंगी।
ये हो गया छोटे दोनों तरफ से। मैं इसको उतार लेती हूँ इस तरीके से, देखिए अच्छे से हो चुका है, बहुत ही हेल्दी है। आप जरूर अपने बच्चों को खिलाइए घर पे बना के। अब इसमें मैं थोड़ी सी दो बूंद तेल डाल के अब मैं इसमें टिक्की रख देती हूँ होने के लिए, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए हमने पलटते हुए इस तरीके से अच्छे से कुरकुरा होने तक पका लेंगे इसको। एक चम्मच तेल पलटते हुए भी मैंने डाल दिया था, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा तभी अच्छे से बनेगा, नहीं तो जल जाएगा। देखिए अच्छे से हो गया है, बिल्कुल कम तेल में बना है। ज्यादा ज्यादा दो चम्मच तेल लगाओ बस, इससे ज्यादा तेल नहीं लगा है, बिल्कुल कम तेल में हेल्दी बनाना है हमें। आप चाहो तो बिना इसके भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चटपटा रहेगा तो और टेस्टी लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें नया लुक दे दिया है। अब गैस को मैं करती हूँ बंद, चलती हूँ बनाने के लिए, देखिएगा जरूर। देखिए इस तरीके से हमने पत्ता गोभी ले लिया है और ये है सेजवान चटनी। आप हरी चटनी भी बना लगा सकते हो, लेकिन सेजवान चटनी तीखा और चटपटा है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी इस तरीके से, ज्यादा नहीं लगाएंगे नहीं ज्यादा तीखा हो जाएगा। दोनों में लगा देती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमें चटपटा बनाना है, हेल्दी के साथ साथ चटपटा भी हो तभी खाने में मजा भी आता है। इस तरीके से देखिए अब मैं इसमें के नीचे टिक्की रख दिया है और इसमें भी इसी तरीके से रख दिया है। देखिए अब इसमें रखेंगे पनीर के स्लाइस, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही हेल्दी है, आप जरूर बनाइएगा। और शिमला मिर्च के स्लाइस रख दिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें प्याज भी रख दिया है, प्याज के भी स्लाइस और टमाटर के भी स्लाइस रख दिए हैं। आप चाहो तो ऊपर से चटनी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा तीखा हो जाएगा, इसलिए मैंने चटनी न लेके थोड़ी थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी काली मिर्च ऊपर से डाल दी है और थोड़ा सा जो नींबू दिखाई थी आपको, थोड़ी सी नींबू का रस। अब ये तैयार है आपका, सॉरी मैंने खीरा को छोड़ दिया था, रख लेंगे डालेंगे। आप चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन हमने काली मिर्च डाला है इसलिए हल्का सा नमक डालेंगे, ऊपर भी थोड़ा नमक होना चाहिए। इस तरह से हो गया हमारा चटपटा हेल्दी कीटो बर्गर तैयार। आप कैसी लगी मेरी रेसिपी? मेरी वीडियो पसंद आए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।